बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हेलो एवरीवन, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है महलीज और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube के चैनल पे। एनीवेज गाइस, आज का जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई, ये बड़े ही मजे का वीडियो है भैया, बड़े ही मजे का वीडियो है। और ये वीडियो है ग्रीट वाइल्डर का। और ये बंदा कौन है? ये बंदा इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है नेदरलैंड्स का। अच्छा, इनकी हिस्ट्री अगर आप नहीं जानते हो तो यार गूगल कर लेना, वहां पर आपको इनकी पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। ही इज बीन वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एमपीज ऑफ नेदरलैंड्स। सो एनीवेज, अब ये प्राइम मिनिस्टर बन गया है और ही हैज ऑलवेज स्पोकन अगेंस्ट, इस्लाम के अगेंस्ट बोला है ये। वो मोहम्मद के कार्टून भी बनवाता था, याद है ना, इसको बड़ी धमकियां आती हैं, अभी भी आती हैं इसको। सो अब ये प्राइम मिनिस्टर बन गया है और ये एंटी इमिग्रेशन है, तो इसका एक मैसेज है मुसलमानों के लिए, माइग्रेंट्स जो आए हुए हैं, इमिग्रेंट्स जो आए हुए हैं, उन लोगों के लिए। मगर ये वीडियो हम लोग साथ में देखते हैं क्योंकि हाँ, आपको बड़ा मजा आने वाला है और वीडियो एंड तक देखना, ठीक है ना। वीडियो पे जाने से पहले शेयर करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चले वीडियो देखते हैं। तो जैसे जैसे वीडियो चलेगा मैं आपके लिए ट्रांसलेट करती जाऊंगी ताकि आपको पता चले क्या बोल रहा है। Acknowledge that Islam is an influential ideology that fosters hatred and terror, and as a result, is not compatible with the values of the Netherlands. अच्छा, पहली बात तो ये कह रहा है कि हम लोगों को ये accept करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि इस्लाम एक बहुत ही influential ideology है जो एक hatred और terrorism जो है फैलाती है, right? और उसके result में जो है उनकी जो values हैं वो नेदरलैंड की वैल्यू से बहुत ही अलग है। सो देयर आर टू डिफरेंट वैल्यूज, यू कैन नॉट मिक्स ऑयल एंड वाटर, यू नो। तो ये पहला पॉइंट है इसका। क्लोज आवर बॉर्डर्स राइट अवे टू असाइलम सीकर्स एंड इमिग्रेंट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इस्लामिक कंट्रीज, वी शुड विथड्रॉ फ्रॉम द शेंगेन एग्रीमेंट। अच्छा, तो सेकंड इसने कहा कि हमारे बॉर्डर्स जो है उनको बंद करना पड़ेगा, सारे ही मुसलमान कंट्रीज से जितने भी रेफ्यूजीज, इमिग्रेंट्स, माइग्रेंट्स सारे आ रहे हैं, उन सब के लिए बंद कर दो। और ये शेंगेन अग्रीमेंट है उसमें से भी ये विड्रॉ करेंगे और कह रहे हैं कि अपने हमारे बॉर्डर्स को हमको खुद को पेट्रोल करना चाहिए, खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए। एग्रीमेंट एंड रीइंट्रोड्यूस आवर ओन बॉर्डर कंट्रोल्स। 3, बिगिन बाय डिसमेंटलिंग इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस लाइक मॉस्क्स, स्टार्ट बाय क्लोजिंग फॉरेन फंडेड मॉस्क्स including those that receive funding from abroad and are under the authority of Diyanet, the Turkish Ministry of Religious Affairs, and not... तो ये कह रहा है, तीसरा पॉइंट ये है कि जितनी भी मॉस्क्स हैं उन सबको खत्म करना पड़ेगा, उनको बंद करना पड़ेगा, और स्पेशली जिनकी फंडिंग, जिनको पैसा जो है बाहर के मुल्कों में से आ रहा है, यानी मिडिल ईस्ट में से आ रहा है, और ये इनके अंडर भी नहीं काम करती, नेदरलैंड की गवर्नमेंट के अंडर भी नहीं काम करती, ये कौन सी वो है दियत जो है टर्किश मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर, उसके अंडर काम करती है और इनके अंडर काम भी नहीं करती है। तो ये इसका तीसरा पॉइंट है। 4, lock up anyone who threatens or uses violence or deport them from our country. And कोई भी जो थ्रेट करे या वायलेंस करे उसको लॉकअप करें, आप उसको भेजें अंदर या उसको उठा के बाय बाय टाटा बाय डिपोर्ट करें, और इफ नेसेसरी टेक प्रिवेंटिव एक्शन अगेंस्ट दोस हंड्रेड्स ऑफ सपोर्टर्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सिंपथाइजर्स ऑफ द जिहादिस्ट मूवमेंट इन द नेदरलैंड्स। ये तुम सारे ट्रोल्स जो करते रहते हो ना बैठ के वहां पे कीबोर्ड जिहाद, ये तुम लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि और वो लोग जो ऐसे लोगों को, जिहादियों को सपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए है। एंड 5, चेयरमैन रिक्वेस्ट ऑल स्कूल्स, न्यूज़पेपर्स, मीडिया टू डिस्प्ले अ मोहम्मद कार्टून इन ऑर्डर नॉट टू प्रोवोक बट टू डेमोंस्ट्रेट दैट वी नेवर गिव इन टू थ्रेट्स एंड वायलेंस and that we proudly and firmly support our freedom. और नंबर 5, ओए होए होए आई, कि हर स्कूल में मोहम्मद साहब का एक कार्टून होना चाहिए, और इस वजह से नहीं कि हम उनको उकसाएं और उनके वो हर्ट करें ताकि वो कुछ करें, नहीं, इस वजह से क्योंकि ये इनकी डच की जो है, इट्स देयर फ्रीडम, हम अपने फ्रीडम को वैल्यू करते हैं। अगर हम जीसस का मजाक उड़ा सकते हैं तो फिर हम मोहम्मद साहब का भी मजाक उड़ा सकते हैं, राइट?
राइट हाँ अच्छा ये इसके पांच पॉइंट्स हैं. अब देखिए आगे क्या बोलता है. फाइनली I have a message for all those Muslims in the Netherlands who do not respect our freedom. तो ये कह रहे हैं आखिर में इसका एक मैसेज है सारे मुसलमानों के लिए जो नेदरलैंड में रहते हैं और हमारा जो फ्रीडम है डेमोक्रेसी है और हमारी जो वैल्यूज हैं उनकी इज्जत नहीं करते हैं. Our democracy and our core values. Those who consider the rules of the Quran more important than our secular laws. और वो लोग जो कुरान के जो लॉज बने हुए हैं उनको ज्यादा बेहतर मानते हैं बनिस्बत इन लोगों की कंट्री के सेक्युलर लॉज के. और ये कहता है वैसे बहुत सारे लोग हैं इनके मुल्क में नेदरलैंड्स में. एंड देयर आर मेनी ऑफ देम 700,000 इज रिवील्ड इन द स्टडी बाय प्रोफेसर. कहता है 700,000 ओ माय गॉड 7 लाख रिवील हुए हैं अभी इन्होंने स्टडी की है. कूपमैन्स कोई कूपमैन्स है बंदा उसने की है ये स्टडी और इसका मैसेज है उन लोगों के लिए. क्या मैसेज है इसका. कूपमैन्स एंड माय मैसेज टू देम इज गेट लॉस्ट डिपार्ट टू एन इस्लामिक कंट्री देन यू कैन एंजॉय इस्लामिक रूल्स. तो ये कह रहा है मुसलमानों को कि निकल जाओ यहाँ से निकल जाओ और अपनी अपनी इस्लामिक कंट्रीज में चले जाओ जहां पर तुमको इस्लामिक रूल और शरिया लॉ मिलेगा. दोज आर देयर रूल्स बट नॉट आवर्स. वो उनके रूल्स हैं और हमारे रूल्स नहीं हैं, ओके? This is our country, not your country, but our country. ये हमारा मुल्क है, आपका मुल्क नहीं है. ये हमारा मुल्क है, उनका मुल्क नहीं है. उनका मुल्क है, हमारा मुल्क है. Oh my God, I cannot, I. यार क्या बोला जाए? Oh my God. Oh my God. अब कितने लोग कह रहे होंगे देखो कितना रेसिस्ट बंदा है कितना इस्लामोफोबिक बंदा है. मुझे भी यही बोलते हैं तुम भी बड़ी रेसिस्ट हो हालांकि मैं तो हूं ही ब्राउन. मुझे भी इस्लामोफोब बोलते हैं. आई मीन क्या उसने गलत बोला है. आई डोंट थिंक उसने कोई गलत चीज बोली है. भैया आप जब यहाँ आए हैं ना तो आपको यहाँ के रूल्स की मेरे घर में कोई आएगा ना तो मेरे रूल्स की तरह चलेगा. मुझे आके नहीं बताएगा कि भैया नहीं मैं आ गया हूँ यहाँ पे तो अब आप ऐसे 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 करेंगी. नहीं वो आप अपने घर पे करो ना जो भी करना है. यानी आप अपने मुस्लिम मुल्क में जाएं इस्लामिक मुल्क में जाएं वहां रहें वहां जो करना है करो. मगर यहाँ आकर फिर आप ऐसे करोगे फिर उनके ऊपर धंधलाओगे और फिर वो कुछ बोलेंगे तो फिर आप जो है उनको इस्लामोफोबिक बोलोगे. और इस बंदे को तो हर वक्त इतनी थ्रेट्स आती हैं. इसको तो पता है ही नोज एवरीथिंग. इसकी तो जान खतरे में आ गई थी क्योंकि इसने वो प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून्स का जो बात करनी शुरू की और कुरान के बारे में इसने कुछ बोला था यू नो लॉन्ग टाइम अगो. अभी आज का थोड़ी है 10 साल से ऊपर हो गया. ये बंदा प्राइवेट सिक्योरिटी लेके घूमता है नेदरलैंड्स में. राइट आई मीन राइट. अब हमें यहाँ पे भी ऐसे मुल्कों में भी सिक्योरिटी लेके घूमनी पड़ेगी. तुम लोगों को तो छोड़कर हम यहाँ आए थे भैया. हम तो कचरा वहीं छोड़कर आए थे मगर अब वो कचरा यहाँ भी आ गया है हमारे पीछे पीछे. वो यही कहते हैं ना आप अपनी प्रॉब्लम से भाग नहीं सकते हो पीछे पीछे आ जाती हैं. सो मैं आई डोंट नो आई एम नॉट अगेंस्ट हिम आई एम ऑल फॉर इट कि भैया जो कचरा है जो देखो जो पीसफुल लोग हैं जो आराम से रह रहे हैं जो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आए हैं जो उन चीजों में फोकस है उनको रखो ऑफकोर्स. मगर जो ये शैतानी करने हरकतें आए ना कि नहीं हमें इस्लाम 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 ओ भैया लो अपना इस्लाम जाओ ना इस्लामिक मुल्क. ये नहीं हमें नहीं चाहिए ना इस्लामिक मुल्क. पहले ही 50 से पता नहीं कितने ऊपर तुम्हारे मुल्क हैं भैया रहने दो ना. और बात ये हो गई है कि इट इज दैट पॉइंट कि जब इस्लाम पहले भी फैल रहा था ना तो फैलता ही जा रहा था चले ही चले जा रहे थे और फिर जाके क्रूसेड्स हुई थी. फिर लोग खड़े हुए थे कहने चलो निकलो यहाँ से चलो. एंड इट्स रिपीटिंग इटसेल्फ. उस वक्त ये स्वॉर्ड्स और यू नो घोड़ों पे आए थे अब ये इमिग्रेंट बन के आ रहे हैं और काम इनका वही है. ये तो खुद बोलते हैं हम तो यहाँ पर इसी वजह से आए हैं क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा होगी और हम कब्जा कर लेंगे यहाँ पर. दैट इज द एंड गोल राइट. अब ये तो जानता है ना. अब जो दूसरे पॉलिटिशियंस हैं जो लल्लू चप्पू कर रहे हैं जो अपनी सीट और गद्दी बचाने के लिए बैठे हैं और ये मल्टीकल्चरलिज्म का चूरन हमको बांटा हुआ है ना इनको भी बहुत जल्द जो है ना इनको भी उठना पड़ेगा. वरना भाई मैं तो जा रही हूँ या तो नेदरलैंड्स या तो मैंने इंडिया जानना है. यार कोई बंदा है मुझसे शादी कर लो मैं इंडिया आके ना मैं बहुत अच्छी भाभी बन के रहूंगी आप लोगों की. एनीवेज गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और आपका इसके बारे में क्या ख्याल है.
मेरी तो हंसी नहीं बंद हो रही है। तो एनीवेज, क्योंकि मुझे उसको याद आ रहा है, गेट लॉस्ट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। जी हाँ, सो एनीवेज, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई और वीडियो है जिसपे आप चाहते हैं कि मैं शेयर करूं या रिएक्शन दूं उस पे। एंड मेक श्योर यू लाइक शेयर दिस वीडियो बिफोर आई गो एंड बिफोर यू गो। उसके अलावा आप हमको YouTube, Patreon, PayPal, OnlyFans इन सारी जगहों पर सपोर्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग Paytm। और उसके अलावा आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं क्या क्या बताऊं यार, इतनी सारी चीजें हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, वहां जाना। एंड यू कैन ऑल्सो बाई मी अ कॉफी, एक्चुअली वाइन है वहां पर, मगर यू कैन बाई मी अ ग्लास ऑफ वाइन, ठीक है ना। एनी वे, ये सारे काम आपने करने हैं। मिलती हूँ मैं आपसे तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।